पीलीभीत पहुंचे वन मंत्री प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना मानव वन जीव संघर्ष को लेकर योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अफसरों को दिए गए निर्देश की समीक्षा करने के लिए पीलीभीत पहुंचे। यहां वन मंत्री अरुण सक्सेना ने बहराइच में भेड़ियों को मारने के लिए जारी हुए आदेश को बिल्कुल ठीक बताया। दरअसल यूपी में लगातार बढ़ रहे मानव वन जीव संघर्ष को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार देर रात वन विभाग के अफसर के साथ बैठक की थी। बैठक में पीलीभीत को भी अति संवेदनशील जिले में रखा गया था। ऐसे में ये भी लगातार हो रहे मानव वन जीव संघर्ष को रोकने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करने के उद्देश्य से वन मंत्री अरुण सक्सेना मंगलवार को पीलीभीत पहुंचे। वन मंत्री अरुण सक्सेना ने बताया कि ड्रोन में 6 भेड़िए कैद हुए थे, जिसमें से 4 को पकड़ लिया गया है, लेकिन हमले अभी भी हो रहे हैं। ऐसे में भेड़ियों को मारने के आदेश सरकार के स्तर से जारी किए गए हैं, क्योंकि लगातार भेड़ियों के हमले की नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। गांधी सभागार में बैठक के दौरान वन विभाग की तैयारी की समीक्षा करने के बाद वन मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्राथमिकता को अधिकारियों के समक्ष रखा। मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर रणनीति भी साझा की। कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य सचिव वन मनोज सिंह, मुख्य वन संरक्षक बरेली समेत पीलीभीत के BC, DM, SP और तमाम अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। दिशा निर्देश ये है कि एक तो हम चेन फेंसिंग और कर रहे हैं ताकि टाइगर इधर ना आ पाए। दूसरी चीज हम लोगों से कह रहे हैं जंगल के अंदर मत जाओ, सुबह को शौच के लिए जंगल में मत जाओ, अकेले दुकेले बच्चे ना जाएं, और टाइगर अगर कहीं भी हो तो बाघ मित्रों से कहा गया है कि पूरे इलाके में सूचना दें कि यहाँ पर टाइगर है। रात में लाइट जलती रहे ताकि लोगों को पता लगे, अगर कहीं पे जरा भी है तो डुगडुगी बजाओ, लेकिन लोगों को सूचना जरूर दो कि भाई टाइगर है, इससे बचे। सर वॉचमैन की कई बार समस्या देखने को मिलती है कि लंबे अरसे तक उन्हें उनके जो मानदेय है, जो उनका दैनिक वेतन है, उसका भुगतान नहीं होता। एक बड़ी समस्या जिनका नहीं है उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें जल्दी दिया जाए। कोई आराना नहीं, बहुत अटैक हो गए। लखीमपुर के लिए बाघ को पकड़ने के लिए, उसे ट्रैंकुलाइज करने के लिए जैसे भी है उसे पकड़ो और कोई मामला नहीं बढ़ना चाहिए। क्या लगता है ट्रैंकुलाइज के परमिशन ये है, जैसे ही जरूरत हो टेलीफोन करें, परमिशन आ जाएगी। परमिशन है? अच्छा, परमिशन दे दी गई, परमिशन दे दी गई। अब डॉक्टर आज ही आ गए, हाँ हो गया जी, हाँ फौरन ट्रैंकुलाइज करेंगे। क्योंकि हमें हर हालत में लोगों को बचाना है, अपने मानव भाइयों को, बहनों को, बच्चों को हर हालत में बचाना है। आप देख रहे थे CTV इंडिया न्यूज़।